इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हूँ। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं मेरे अकब में, मैं इस वक्त रावलपिंडी के इलाके डोबकाला खान में मौजूद हूँ। बारिश के बाद जो नशेबी इलाके हैं वो जेरे आब आ चुके हैं, खुसूसन डोबकाला खान, तातकाबाद, छतरियाल, पूरी रोड और खन्ना पुल से मुलिका जो इलाके हैं, खुसूसन जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ पर पानी गलियों में दाखिल हो चुका है और पानी गलियों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो रावलपिंडी की ज़िले इंतजामिया थी उनकी जानब से इस बार कहा गया था कि बारिशों में उनकी जानब से मौसर इकदाम किए जाएंगे, नशेबी इलाकों में मशीनरी होगी और बारिश के पानी को निकालने के लिए इकदाम किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस जगह मैं मौजूद हूँ, न सिर्फ ये इलाका बल्कि रावलपिंडी के मुतद इलाकों में पानी जो है गलियों में दाखिल होने से जो शहरी है उन्हें खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए नाला लई या दीगर जगहों की तो वहाँ पर भी जो पानी है उसकी सतह बुलंद हो चुकी है नाला लई में, जबकि जो नशेबी इलाके हैं उनकी हालत दार आपके सामने है। जबकि वासा काम का कहना है कि उनकी जानब से मशीनरी फील्ड में पहुँचा दी गई है और रैन एमरजेंसी जो पहले से ही नाफिज कर दी गई थी, लेकिन जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। आप इस वक्त देख सकते हैं, कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि कितनी बारिश है और इस गली में जो है वो लोगों के लिए यहाँ से गुजरना मुश्किल है, गाड़ियाँ यहाँ फंस जाती हैं और सूरत हाल है वो लोगों के लिए काफ़ी कशीदा है। और जहाँ बारिश इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम सुहाना होता है, वही रावलपिंडी वालों की मुश्किल में इजाफा हो जाता है। जी बेचना गेट जाए।